आप नेता प्रतिपक्ष करके लड़ते रहिए, अरे आप तो लड़ते रहिए नेता प्रतिपक्ष करके, और मुख्यमंत्री का मौका आया तो कमलनाथ जी ले गए। तो मैं आपकी भावनाओं से सहमत हूँ, आपसे मैं सहमत हूँ, मैं आपके साथ हूँ। मैंने पहले ही कहा आपने इस व्यवस्था के आधार पे हम अपनी अपनी बात कर रहे हैं। मैं आज जिस बात को लेकर चलना चाहता हूँ, मैं अभी अपने सारे अलग अलग विभागों के बारे में बात हुई, यद्यपि ये बात सही है कि एजेंडे को बात करी, मैं आपके बीच गर्व से कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र यह हमारे लिए अपनी पवित्र धर्म ग्रंथ की तरह है, ये गीता रामायण की तरह है। एक एक अक्षर से 5 साल तक हम अपने इस एजेंडे को लेकर आए सरकार बनाने के लिए। 1 महीने की सरकार के लिए नहीं है, ना 13 महीने की सरकार के लिए। और हम और आप 5 साल बाद बात करेंगे कि आप और हमने जो निर्णय किए थे, अपने संकल्प पत्र को लेकर आगे बढ़े थे, तो हम किस रूप में आगे बढ़े। मैं आज आपके लिए खास करके 2-3 चीजें आपके सामने बताना चाहूंगा कि राज्य सरकार होती है मूलभूत सुविधाओं के लिए, उसपे भी हम काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार अपने प्रदेश का मान, देश का मान और भारतीय सनातन संस्कृति का मान दुनिया में बढ़े, इसके लिए भी काम करने की आवश्यकता है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ऐसे कई विषयों को लेकर के जब से हमारी सरकार बनी है, ऐसे कई एजेंडों को लेकर हम आगे चल रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बताएं, आज से 300 साल पहले तक दुनिया में भारत का टाइम स्टैंडर्ड दुनिया में माना जाता था, लेकिन काल के प्रवाह में जब हम गुलाम हुए तो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस 50 साल तक स्टैंडर्ड टाइम वहां तय होता रहा। उसके बाद 250 साल पहले जब अंग्रेज हावी हुए तो अंग्रेज इस चीज को पेरिस से उठा करके ग्रीनविच ले गए, और ग्रीनविच से वो दुनिया में समर स्टैंडर्ड टाइम तय करने लगे। अब ये आप अंदाज लगा लें, कहने के लिए हम पूर्व के देश है, वो पश्चिम के देश है, और ये जो समय की गणना का केंद्र है, आप कभी अंदाज लगा लो आज भी कितनी बड़ी विसंगति है। आप उमंग भाई बताइए, यहां दुनिया में 2 प्रकार के ही प्राणी पाए जाते हैं। एक प्राणी जो सूर्यास्त से अपनी दिनचर्या चालू करते और अपने सूर्यास्त के बाद अपने सूर्योदय से चालू करते, सूर्यास्त में खत्म करते। दूसरे प्राणी रात्रि या निशाचर वाले हैं, लेकिन मध्य रात्रि में कौन से प्राणी अपनी दिनचर्या चालू करते हैं? ये मध्य रात्रि में 12 बजे दिन बदलेगा, इसका कौन सा स्टैंडर्ड है, ये कौन सा पैमाना है? लेकिन ये वो पैमाना है जिस पैमाने को मैं थोड़ा सा आपके सामने बताना चाहूंगा। ये वो पैमाना जिसके माध्यम से भारतीय संस्कृति को लज्जित करने का प्रयास किया। मैं अभी अपने विषय पे आ रहा हूं भैया, अभी खत्म नहीं कर रहा हूं, आपको भी मौका दूंगा, आप अपनी आंखों से जाके देखना। 21 जून और 22 दिसंबर दिन के 12 बजे उज्जैन की ऑब्जर्वेटरी में जाना, एक शंकु यंत्र 300 साल पहले बना है और आधुनिक साइंस की दृष्टि से जीपीएस है फिजिक्स का बना हुआ, जहां से आप डिसाइड कर सकते हैं कि दुनिया का सेंटर पॉइंट कौन सा है। आपको गर्व होगा, वो उज्जैन और डोंगला है जहां पे 23.26 अंश मिलेगा। लेकिन ये हमारे आधुनिक साइंस के आप उपकरण भी बता रहे हैं जो हजारों साल से हमारे पूर्वज जानते थे। ऐसे गौरवशाली चीज को हम विस्मृत करके केवल पश्चिम अनुकरण जो करने लगे, उस काल के प्रवाह के चक्र को बदलते हुए उस ऐसे रहस्यों को भी सबके सामने लाने का काम हमारी सरकार कर रही है। इसलिए वो पुरानी ऑब्जर्वेटरी जो राजा जयसिंह के समय बनाई हुई थी, 5 ऑब्जर्वेटरी, लेकिन एक नई ऑब्जर्वेटरी साइंस टेक्नोलॉजी विभाग के माध्यम से हम बना रहे हैं, जिसको आईआईटी के बच्चे रिसर्च करने जाएंगे, आईआईएम के बच्चे भी रिसर्च करेंगे। मध्य प्रदेश के 16 विश्वविद्यालय से 10 से ज्यादा विश्वविद्यालयों ने फिजिक्स के माध्यम से वहां एमओयू किया है और वो रिसर्च कर रहे हैं कि हाँ ये बात सही है कि हमारे लिए अगर स्टैंडर्ड टाइम की तय होगी बात। और एक और जानकारी आपको बता दूं, ये जो विषय हमने रखा है, इस विषय में कई मामलों में हमारे एशिया के कई देशों से संबंध 19 से 20 से हो सकते हैं, लेकिन वो सारे के सारे देश दक्षिण एशिया सहित, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, ये सारे लोग मानते कि स्टैंडर्ड टाइम की तय करने की अगर बात होगी तो भारत पे ये बात जाएगी और भारत में उज्जैन का वो मान बढ़ेगा, भारत का मान सम्मान बढ़ेगा। ये जो हमने कहा कि सरकार के माध्यम से क्या संबंध है, तो सरकार ने वो ऑब्जर्वेटरी खड़ी की है और एक नया प्रस्ताव सरकार के माध्यम से दे रहे हैं कि भविष्य की दृष्टि से आईआईटी सैटेलाइट टाउन उज्जैन में इंदौर का विस्तारीकरण करेंगे, जिसके माध्यम से ऐसे भविष्य के ऐसे कई विषय भी, जैसे बाबा महाकाल की नगरी, ये केवल धर्म की नगरी नहीं है, ये ज्योग्राफिकली फिजिक्स की नगरी भी है, भूगोल की नगरी भी है, ज्ञान की नगरी भी। आप अंदाज लगा लो कि 2000 साल पहले जो आर्यभट्ट ने हमारा अक्षांश देशांश निकालने वाला जो यंत्र आप मान के चले, अगर अपना हवाई जहाज उतारना आपको आज भी, तो आप बताइए जैसे हवाई जहाज ऊपर उड़ेगा
तो लगभग 1,00,000 मीटर प्रति घंटे की गति से पृथ्वी घूमती है, वो वापस मुकाम पे आने के लिए अक्षांश दिशा की जरूरत पड़ेगी। ये सिद्धांत अगर किसी ने खोजा है तो आर्यभट्ट ने खोजा है, ये गौरवशाली पक्ष हमारा सबके बीच में आना चाहिए। मैं अभी यार आपके बीच में आ रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ कि आपको लगेगा कि ये पंगापंथी बातें हैं, अगर आपको कुछ बात कहना हो तो जरूर पूछ सकते हैं। माननीय अध्यक्ष, मैं दिल्ली से प्लेन यहाँ बुलवा लो। नहीं माननीय अध्यक्ष, बहुत बहुत अच्छा सुझाव है माननीय मुख्यमंत्री जी का, क्यों ना अपन अपना समय चेंज कर ले प्रदेश का, सब उसके बाद फॉलो करते रहेंगे अपन को। यही मानसिकता ने पीछे करा है। अच्छी बात, मैं आपके सामने बता रहा हूँ, अभी अभी आपको बताता हूँ ये समय कैसे तय होता है। ये समय मेरे तुम्हारे कहने से स्टैंडर्ड टाइम यहाँ तय नहीं होता है, ये समय होता है फिजिक्स से, विज्ञानियों के माध्यम से। और इसकी, अरे एक मिनट जरा बाला भाई सुनो तो सही, अभिभाषण पर आ जाइए मध्य प्रदेश। अरे भाई जब हमारी बात आ रही है, ये आपकी बात पे तो हमने रोका नहीं। जब नेता प्रतिपक्ष बोले थे हम तो मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जो बोले तो उज्जैन के भैया बोले तो उनको जो भी सही किया मुख्यमंत्री ना खाता ना सही मुख्यमंत्री जी के वो सही। जय महाकाल मुख्यमंत्री जी बना रखे, जय महाकाल। मैं आपसे सहमत हूँ, मेरा इतना कहना है कि विज्ञान कांग्रेस अपने यहाँ वैज्ञानिकों की विज्ञान कांग्रेस है, हमारी सरकार इस दिशा में रुकना। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस करा करके स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से तय होना चाहिए, इस दिशा में भी काम अपनी सरकार साइंस टेक्नोलॉजी विभाग के माध्यम से कर रही है, और अगर वो तय करेगी तो निश्चित रूप से इसमें बदलाव आएगा। मैं आपको वो याद दिलाना चाहता हूँ कि इसमें सरकार की, न केवल राज्य सरकार की बल्कि भारत सरकार की भूमिका भी है, और भारत सरकार ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करेगी, लेकिन इसके लिए प्लेटफॉर्म बनाने का काम अपनी सरकार कर रही और अपने विभाग कर रहे हैं, ये उसके बाद होने वाला काम है। मैं उसकी बात थोड़ी सी आपको बताना चाह रहा हूं, और केवल ये नहीं, कुछ और भी विषय है, लेकिन चूंकि कहीं ज्यादा हो जाएगा इसलिए मैं थोड़ा उससे बचना चाहता हूं। आप अंदाज लगा लो है? थोड़ा सा अब मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूं अपने बीच में से, जैसे आप ध्यान दीजिएगा कि हमारे यहाँ अपने सम्राट विक्रमादित्य, अब संवत की बात अगर करते हैं तो आप अंदाज लगा लो, ये हमारे जो संवत है, आप संवत के मामले में आज भी मैं कांग्रेस पे ये इस ढंग से आरोप लगाता हूं कि आज भी कांग्रेस के उस तत्कालीन निर्णय के कारण से सक संवत की शासकीय मान्यता है, जबकि संवत की मान्यता होना चाहिए विक्रम संवत की, और विक्रम संवत ये सम्राट विक्रमादित्य के नाम का है, हमारा ये गौरवशाली पक्ष है। लेकिन केवल आपको वो बताएं माननीय मुख्यमंत्री जी, दो संवत नहीं, सभी लोग शांत रहे भाई। देखिए मैं आपके मुख्यमंत्री जी स्मरण कर रहा कि जब हो रहा है तो आप लोगों को बोला नहीं से सुनना चाहिए, इसलिए उम्मीद ये कर रहा हूँ कि आप भी अपने सबके इस बीच में से जो जिसका वक्तव्य आए आप उस बात में जरा, आपको लगता है कि बाद में भी बात कर सकते तो जो मेरे से बात कर लीजिएगा, मैं तैयार हूँ। लेकिन ये सारी विषय इसलिए रख रहा हूँ कि ये सरकार का हिस्सा है, ये सरकार से अलग नहीं है। मैं जो भी बात रख रहा हूँ उसमें प्रत्येक चीज में सरकार इन्वॉल्व है, सरकार की मदद के बाद वो चीज खड़ी हुई, उसमें कुछ भी अलग से नहीं। इसीलिए जैसे मैंने विक्रमादित्य की बात कही, अभी अयोध्या की बात करेंगे, अयोध्या भी विक्रमादित्य पे जाके टिकेगी। आप अयोध्या और विक्रमादित्य का अंतर नहीं है, आप इसका रिकॉर्ड देखिए, पिछली बार हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री साथ में आए थे उज्जैन में, महंत अवैधनाथ योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने इस बात को कोट किया कि आपका उज्जैन से ही विक्रमादित्य ने अयोध्या का जो मंदिर तोड़ा गया बाबर के साथ, बाबर द्वारा, वो 2000 साल पहले विक्रमादित्य ने उज्जैन से जाकर के बनाया था। ये 84 काले कसौटी का खंबे का मंदिर विक्रमादित्य काल का था, उसको कोर्ट ने प्रमाणित किया है, मेरे तुम्हारे ऐसे नहीं हुआ, आर्कियोलॉजी ने डिसाइड किया कि ये मंदिर इतना पुराना है। और आप अंदाज लगा लो, दुनिया में तीन भाइयों की जोड़ी प्रसिद्ध हुई है, एक भगवान राम और लक्ष्मण, एक भगवान कृष्ण और बलराम, और तीसरी जोड़ी मध्य प्रदेश की है विक्रमादित्य और भर्तरी, दो तीसरी जोड़ी इसने मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया। इसलिए दो भाई दुनिया के ऐसे जो दोनों ही अद्वितीय रहे, जिनके जीवन के अलग अलग पक्ष है, जब भर्तरी ने शासन चलाया
और भरतरी ने जो साहित्य बनाया वो भरतरी का साहित्य आज भी दुनिया में अद्वितीय है। कोई अपना श्रृंगार, तीन पुस्तकें लिखी उनने, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक, ये तीनों प्रत्येक के लिए पढ़ने लायक, उसकी विविधता हमारे सबके लिए जानने लायक, लेकिन उसकी गहराई को भी समझने की जरूरत। विक्रमादित्य शोधपीठ के माध्यम से, विक्रमादित्य फेलोशिप देते हुए हम रिसर्च सेंटर के माध्यम से विक्रमादित्य का विराट व्यक्तित्व तो दुनिया के सामने आना चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जो न्यायप्रिय, जो विक्रमादित्य के कितने पक्ष है, विक्रमादित्य और उनका नवरत्न, आप अंदाज लगा लो उस विक्रमादित्य की बात को ले जाने के लिए हमारे पाठ्यक्रम से विक्रमादित्य का हिस्सा गायब कर दिया, विक्रमादित्य को काल्पनिक बताया गया। विक्रमादित्य कौन से है इसको निश्चित करने के लिए प्रश्न खड़े करे, ये रिसर्च सेंटर के माध्यम से हमने सारे जवाब दिए हैं। कहां विक्रमादित्य अपने इस देश का है और उज्जैन के हैं, और हम नहीं कह रहे हैं, हर साल इसकी अलग अलग प्रकार की फेलोशिप दे करके जो रिसर्च आती है उसकी पुस्तकों का प्रकाशन मध्यप्रदेश शासन के माध्यम से करा रहा है। और विक्रमोत्सव के केवल आयोजन एक प्रकार के नहीं, उनके एकेडमिक साइट के भी और उनके जनरंजन के कार्यक्रम भी। विक्रमादित्य के बारे में तो हमारी जुडिशली, विक्रमादित्य का न्याय, विक्रमादित्य की वीरता, विक्रमादित्य का दानशीलता, उनका पराक्रम, उनका पुरुष, कोई कल्पना कर सकता है कि एक व्यक्ति में कितने गुण हो सकते हैं, और उसके बावजूद उदारता कैसी, जो आदमी तो आदमी भूत को पकड़ ले, ऐसी वीरता किसी में हो सकती है क्या? ये केवल एक आदमी में हो सकती है जिसको विक्रमादित्य करके जानते हैं। मैं आज इस बात के लिए आनंदित हूँ, आज इस सदन में यद्यपि हमारे अपने सरकार के माध्यम से कई कई प्रकार के काम हुए, कई कई प्रकार की बातें आई, ऐसे कई विषयों पे बात करने के साथ, जैसे नई शिक्षा नीति के मामले में मित्रों ने बात खड़ी की, आप अंदाज लगा लीजिए कि नई शिक्षा नीति दुनिया को जो शिक्षा देने वाला और गुरु करके जो हजारों हजार साल से जिसकी मान्यता है, ऐसे भारतवर्ष के अंदर शिक्षा के मामले में लॉर्ड मैकाले ने 1835 में जो गलती की, कांग्रेस ने 60 साल तक उस गलती को दुरुस्त करने का काम नहीं किया। हमें इस बात की प्रसन्नता, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी ने नई शिक्षा नीति लागू करके हमारी देश की संस्कृति से जोड़ करके शिक्षा को जीवन के सर्वांगीण विकास के साथ जोड़ने का प्रयास किया, और मुझे इस बात का गर्व है मध्य प्रदेश के सीमित संसाधन के बावजूद भी नई शिक्षा नीति दुनिया में अगर लागू की है तो सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने लागू की है। अपनी नई शिक्षा नीति के बारे में अगर सरकार के इस विषय को मैं अगर सदन में रखता हूं तो आप सबके लिए भी यह विषय अच्छे रहेगा, आप भी बात करेंगे कि आप हमारे अपने महाविद्यालय के अंदर अगर पढ़ना चाहे आप तो कोई एज लिमिट नहीं है, पोता, पिताजी, दादाजी, जिनको एडमिशन लेना वो सब एडमिशन ले सकते हैं, कोई बंधन नहीं है। एक आदमी दो डिग्री लेना चाहे दो डिग्री ले सकता है, कोई बंधन नहीं। हमारे कोर्स की डिजाइन भी बीए, बीकॉम, बीएससी से बदल करके, कोई साइंस का व्यक्ति इच्छा रखे कि मैं एक आर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़ना चाहता हूं तो वो आर्ट्स का पढ़ सकता है, और ऐसे कई प्रकार के कोर्स जिन कोर्स के बलबूते पर हमको अपने जीवन के मार्ग तय करना, जीवन की दिशा तय करना, वो हम कर सकते हैं। ऐसे सारे विषयों को लेकर नई शिक्षा नीति बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है। इस नई शिक्षा नीति को मामले को लेकर के कभी मौका पड़ेगा अध्यक्ष महोदय तो आप एक विशेष सत्र बुलाएं और अपन इस पे खुलकर के चर्चा करें, क्योंकि नई शिक्षा नीति के क्रमशः आप तीसरे वर्ष में हमने प्रवेश किया और अंतिम वर्ष में प्रवेश करते करते ऐसे फालतू के कई बंधन हम खत्म करेंगे, जिन बंधन के आधार पर केवल कागज की डिग्री लेने के लिए विद्यार्थी प्रेरित होते थे। कागज की डिग्री के बजाय जो डिग्री मिले उससे जीवन में सार्थकता आए, जीवन में उसका उपयोग हो, इसीलिए हमारी अपनी सरकार ने अपनी सरकार की पहली बैठक में हमने एक निर्णय लिया कि सभी प्रकार के कोर्स एक जिले में कम से कम एक ऐसा कॉलेज एक्सीलेंस खोले जिसमें पढ़ने का मौका मिलेगा। तो 52 ही जिलों में हमने 52 एक्सीलेंस और अब जो सरकारी 55 हुए तो उसको बढ़ा के 55 तक ले जाएंगे, एक्सीलेंस कॉलेज में ले जाएंगे। इसी में निर्णय लिया कॉलेज किस प्रकार के होंगे, कॉलेज सर्व सुविधा युक्त होंगे जिसमें खेलने का मैदान, हॉस्टल, सभी प्रकार के पाठ्यक्रम को पढ़ने की गुंजाइश, उसी में ई लाइब्रेरी और इसी के साथ साथ बस की व्यवस्था भी रहेगी। 20 किलोमीटर के रेडियस में जाकर के बच्चों को अपने ही महाविद्यालय में आने के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हमने इसी में दूसरी व्यवस्था की डिजी लॉकर की, हमारे बच्चे जो अपनी मार्कशीट को, स्थानांतरण सर्टिफिकेट को लिए घूमते थे,
अब डीजी लॉकर के माध्यम से मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बना है जिसको कोई पत्र अलग से कोई पेपर ले जा करके ले जाने की जरूरत नहीं, वो सारी की सारी सुविधाएं वो सबके लिए उपलब्ध रहेगी। हमारी सरकार ने तीसरा निर्णय लिया कि रजिस्ट्री करने के बाद आपको अलग अलग हमारे पटवारियों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, सबका नामांतरण अपने आप होगा 1 जनवरी से जो लागू होगी व्यवस्था, ताकि बीच का ये जो अव्यवस्था है या अव्यवस्था हम खत्म करने वाले। हमारी सरकार ने ही निर्णय किया है, जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय करती थी, ये पता नहीं क्या है मित्र हमारे पे आरोप लगाते हैं, पता नहीं क्यों लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट निर्णय करती, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई ताकत नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू कराने की कभी आपके मित्रों आपके पूर्ववर्ती सरकार में हिम्मत नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया 3 तलाक खत्म कर दो, आपकी सरकार ने उस फैसले को लोकसभा में बदल दिया। ये आपकी दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है। हमारी सरकार ने 40 साल पहले पुराने लिए 3 तलाक के निर्णय को भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बदल के रख दिया कि सरकार होती निर्णय लागू कराने के लिए। अगर निर्णय अच्छा है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, जनहितैषी है, महिला हितैषी है, वो निर्णय क्यों लागू नहीं होना चाहिए? डंके की चोट लागू कराने के निर्णय। हमारी सरकार ने निर्णय किया है आपके मामले में, राम मंदिर के मामले को कितने प्रकार से उलझाया गया, कितने प्रकार से लटकाया गया, ये आपकी सरकार थी। और हमारी सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया राम मंदिर वही बनेगा, तो डंके की चोट राम मंदिर के मामले में सरकार ने निर्णय लिया, माननीय मोदी जी स्वयं वहां उपस्थित हुए और हमारी सरकार ने राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त किया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी इस मध्यप्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि राम भक्तों पे जहां जहां गोलियां चली थी बाउंड्री पर, जहां जहां पास के राज्य में जिनकी आपके पीछे से सपोर्ट थे, उन सरकारों को हमारे लोगों गोलियों से भुना गया था, कार सेवकों को अपमान किया गया था, हम फूल बिछाएंगे आनंद के साथ। 22 जनवरी को पूरी सरकार स्वागत करेगी मध्यप्रदेश सरकार राम भक्तों का, राम दर्शन करने जाने वालों का, और तीर्थ दर्शन यात्रा के माध्यम से हमारी सरकार ट्रेनों से बसों से जिनको अयोध्या की इच्छा होगी सबको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। यह हमारी व्यवस्था के आधार पर, अरे हम तो सबका स्वागत करेंगे, हमको मालूम है अब सब चले, अब क्या दिक्कत है भगवान राम के लिए, हमको मालूम है। लेकिन राम कैसे हैं, आप भी राम अब करना सीखे हो, लेकिन राम हमारे राम कैसे हैं आप बताओ? कोई ऐसा शासक हो सकता है क्या जिसके केवल नाम में, नाम तो केवल राम है लेकिन राम कहां कहां कैसे कैसे दिखाई देते? राम हमारे दिखाई देते, हम राम राम तो हमको लगता अभिवादन कर रहे हैं, अपना जय सिया राम आनंद में आ जाते हैं, आराम सोने भी जाए तो राम के पास, विश्राम तो राम। और आप राम नाम सत्य करने वाले कोर्ट में सर्टिफिकेट देते थे कि राम का अस्तित्व कहां है, राम जी कहां है? कपिल सिब्बल का आज भी एफिडेविट इस बात के लिए लज्जित करता है कि आपने प्रभु श्री राम पे प्रश्न उठाए थे, आज आप उनकी बात करते कि हाँ हमारे भी राम है। अरे तुम्हारे राम तो होते तो तुम ये सर्टिफिकेट क्यों देते, ये मामले क्यों उलझाते, राम मंदिर के मार्ग में क्यों बाधाएं खड़ी करते? ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है। और अब फिर मामला है, चलो आप भी समझ जाओ, कोई बात नहीं, राम की बात पूरी हो गई, आ जाओ कृष्ण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, मथुरा में आओ, आओ मथुरा में, कौन मना कर रहा है, बोलो भगवान कृष्ण की जय जयकार करो। ये हमारी सरकार है मध्य प्रदेश के अंदर, भगवान कृष्ण के जहां जहां पांव पड़े, जहां जहां लीला रची है, चाहे आयो अपना उज्जैन जहां उनने 64 कला 14 विद्या सीखी, या आपका धार का पास का अमझेरा जहां रुक्मी के साथ उनका युद्ध हुआ, या जाना पाओ इंदौर के पास की वो पहाड़ी जहां परशुराम जी भगवान को सुदर्शन चक्र देते हैं, वो सारे स्थान तीर्थ के रूप में डेवलप करेंगे, ये हमारी सरकार का निर्णय है। हम इन सारे निर्णयों के लिए सरकार में आए, हम ये कोशिश कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल का अभिभाषण और मुख्यमंत्री जी बोल रहे, क्या है अभिभाषण इसमें है? अभिभाषण में कहां है? मुद्दों पे बात ही नहीं हो रही है, अभिभाषण पे बात ही नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री जी को पूरी बात रखने दो। राम राम तो गांव के हर व्यक्ति राम राम करता है शुरू से ही। ए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि पहले राम की बात करी तो इन्हें कोर्ट में शपथ पत्र दिया, अभी कृष्ण की बात करी तो फिर बात बदलने लग गई। कृष्ण राम से क्यों नफरत है, पता नहीं क्या कारण है आपका। मैं आपसे निवेदन करना किसी मंदिर में बैठ के पुजारी बन के कीजिए, यहाँ पे बात हो रही है प्रदेश के मुद्दों की बात। मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, एक बार शांत रहो भैया, शांत रहो, शांत रहिए, कृपया शांत रहिए, उमाकांत जी कृपया शांत रहिए,
उमा कांत जी शांत रहे, कृपया शांत। चलो मुख्यमंत्री जी, अरे आपके कष्ट तो है मैं बताना चाहता हूं। अरे हमने तो कहा का सबका, कपिल सिब्बल किसके थे, वेणुगोपाल किसके थे, कांग्रेस के सारे महासचिव क्यों शपथ पत्र देने गए भगवान राम के मामले में, राम सेतु के मामले में, ये सारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर दस्तावेज क्यों लगाए? अब हमने थोड़ी लगाए, हम तो हमेशा उसकी बात करने गए। अभी अब थोड़ा पंडित जी थोड़ा चुप रहना। अभी थोड़ी सी बात अपने काम की भी करें, जिस तरह से आगे अपन ने निर्णय किए हैं, मैं इस दो तीन बातों को और बताकर अपने विषय पे अभी आऊंगा, क्योंकि जो विषय आपके सामने इसलिए बताया कि ये आपके मेरे पक्ष विपक्ष के नहीं है, तथ्यात्मक बात है जिसमें सरकार का योगदान है, जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने आपको कहा कि अगर महाकाल का महालोक बनाया है तो महाकाल के महालोक में त्रिवेणी संग्रहालय भी बनाया है, जहां त्रिवेणी संग्रहालय में भगवान महाकाल के कारण तो उज्जैन जाना ही जाता है, लेकिन हम ये जानकारी ले लें कि शैव संप्रदाय हमेशा, शैव संप्रदाय की लंबी परंपरा है, फिर हमारी दूसरी परंपरा शाक्त परंपरा, देवी परंपरा, तो हमारे जो 51 शक्तिपीठ है उसमें से माता हरसिद्धि का भी एक स्थान है, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण की वैष्णव परंपरा भी है, तो कृष्णायन भी बनाया, ये सब शासन के माध्यम से बनी हुई चीज है, इसको कोई हमने मर्जी से नहीं बनाया, और उनके जीवन काल से लेकर उनकी विविधता वाले सारे साहित्य, सारी वनस्पति, सारा आर्कियोलॉजी से संबंधित विषय, सारे संग्रहालय, उनको जोड़ करके हमारी सनातन संस्कृति को केवल हिंदू मुसलमान नहीं, विदेश से भी कोई आकर के हमारी संस्कृति को देखना समझना चाहे तो ये उनके लिए भी अवसर उपलब्ध कराने की बात, हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है। हमारे लिए आज वर्तमान के दौर में दुनिया में मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से मोदी जी ने भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, दुनिया भारत को जानना चाहती है, दुनिया सनातन संस्कृति को जानना चाहती है, दुनिया हमारे बीच में वो सारे चीज ढूंढना चाहती है जो सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हमारी सारी संस्कृति को लोग देखना समझना चाहते, हमारी अच्छाइयों को जानना चाहते, उन विषयों को हम अपने साथ लेकर के हम उनको पाठ्यक्रम का भी हिस्सा बनाना चाहते। मैं आज अपने बीच में से दो चार बातें और कहूंगा, यद्यपि मुझे, मैंने माननीय अध्यक्ष जी से कहा था कि 3 बजे के आसपास में मेरे को जाना है, लेकिन आज 4 बज गया है, मैं लंबा तो भाषण इतना है कि अभी अपन बात करेंगे तो ज्यादा हो जाएगी, लेकिन फिर भी अब इसको समापन की तरफ लाते हैं। आपने सड़कों की बात कही, आप अंदाज लगा लो, मेरे मित्र ने अभी हाल किसने रखा था, उनने कहा था कि वित्तीय वर्ष में प्रदेश सरकार ने का जो केंद्रांश है, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा निवेदन, आप बैठिए, आप बैठिए, प्लीज प्लीज कृपया बताएंगे वो। वो अभी छिपरा जी के नजदीक है, नर्मदा जी के ऊपर, नर्मदा जी के मामले में तो कौन जान सकता कांग्रेस से ज्यादा। कांग्रेस ने 77 में एनवीडीए के निर्णय को लागू न करके मध्य प्रदेश की जनता का अपमान किया है, मुझे इस बात का गर्व है। यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार ने एनवीडीए के माध्यम से हमारे सारे डैम पूरे करे, विधानसभा में वो इनकार कर दे, जब उन्हें कहा था कि नर्मदा का पानी छिपरा में मिल नहीं सकता है, चंबल में अपने मालवा में जा नहीं सकता, निमाड़ में जा नहीं सकता है, वो सारे डैम पूरे हो नहीं सकते, वो सारे डैम भी पूरे हुए और अभी नर्मदा के पानी के लिए हमारे वो डैम तो पर्याप्त है, हम उस एमओयू को भी रिव्यू कर रहे हैं जिसके बलबूते पर बाकी जगह भी नर्मदा का पानी खपा करके इस प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करें, ये हमारे वो सारे निर्णय ले रहे हैं जिसके आधार पर नर्मदा जी से पूरा प्रदेश लाभान्वित हो। अरे आप जो कहोगे बिल्कुल करेंगे, चिंता मत करो, आप जो कहोगे बिल्कुल करेंगे, बस आपका पक्ष गलत है, जब आ जाओ तो और ज्यादा करेंगे।
मैं माननीय बाला बच्चन जी ने एक विषय उठाया, आपने कहा पहले केंद्र सरकार 75% राशि देती थी, अब घट करके 60% हो गई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहले वास्तविक स्थिति 75% को घटा करके 60% इसलिए किया गया कि केंद्रीय राज्य में राज्य का हिस्सा केवल 32% था, जबकि अब ये बढ़कर के 42% हो गया। ये केंद्र सरकार ने हमारा राज्यांश बढ़ाया, कम नहीं किया। इसी प्रकार से कई और मद हैं, जिन मदों को मैं उल्लेख करूंगा तो लंबा हो जाएगा, लेकिन प्रत्येक मद में भारत सरकार में यशस्वी मोदी जी ने अपनी राशि को 3 गुना 4 गुना किया, कुल मिला के राज्य बजट का आधे से ज्यादा हिस्सा इसी प्रकार से हमारी योजनाओं के माध्यम से मिल रहा है। इसी कारण से हमारा ये बजट बढ़कर के पर्याप्त रूप से सारी योजनाओं को पूरा करने वाला हुआ। कुछ विषय अपने बीच में आए, कोई योजना पूरी नहीं होगी, बंद हो जाएगी, ये अनावश्यक डर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई लाडली लक्ष्मी योजना से लगा करके सारी योजनाएं, कोई योजना बंद नहीं होगी, सारी योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि हमने रखी है। इसी प्रकार से गैस कनेक्शन की बात आई, गैस कनेक्शन की राशि भी सभी को बराबर मिलेगी, किसी की कोई राशि नहीं कटेगी। अगर इन्होंने बोला योजना बंद नहीं होगी, लाडली महीना में कानून ही बनवा दे। सारी राशि जब जब जिसकी तारीख है उस तारीख में डलती जा रही है। अब ये अलग बात है, आपको जानकारी नहीं तो मैं मेरा अनुरोध है कानून ही बना दे। कानून काहे का बना दे, लाडली बहना पे खाद सुरक्षा अधिनियम बन सकता है, इस पर एक बना दे। अरे एक मिनट, अभी आप माननीय मोदी जी को धन्यवाद दो, जिनने कहा कि कुल 4 जातियां उसमें बहनों को भी एक उनने महिलाओं के लिए भी रखा है, महिला युवा गरीब किसान। अब आप उसमें महिला सशक्तिकरण की योजना में कानून बना रहे हैं, अब आपके लोग तो वहां बाहर काला लेके घूम रहे हैं दिल्ली में, मैं क्या करूं। आप उनको समझाओ कि भैया उनके लिए हम सब तैयार है, अगर आप यूनानी मिस तैयार हो तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, बहनों के लिए जो बेहतर हो सकता है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सारी राज्य सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। अब ये अपनी चर्चा बाद में कर लेंगे, थोड़ा और भी मौका मिलेगा। डबल इंजन सरकार का चमत्कार क्या होता बताना चाहूंगा कि मध्यप्रदेश से बीमारू राज्य का कलंक हटा, 5 लाख किलोमीटर से अधिक लंबाई की चमचमाती सड़कें अगर बनी है तो केवल डबल इंजन सरकार के कारण बनी है। 47 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा अगर बढ़ी है तो केवल डबल इंजन सरकार माननीय मोदी जी के कारण से बढ़ी है। हमारी विकास दर आज 16% से ज्यादा हो गई है तो केवल मोदी जी की सरकार के कारण से हुई है, हमारा सौभाग्य है। प्रति व्यक्ति आय 1,40,000 से अधिक अगर हुई है तो उसमें एकमात्र कारण माननीय मोदी जी का। और एक और बात, आपने कहा सिंहस्थ का, हाँ सिंहस्थ होगा, ये तो भगवान ने हमको सौभाग्य दिया, जब जब सिंहस्थ होता है केवल एकमात्र कारण भाजपा की सरकार बनती है या पूर्ववर्ती सरकारें बनती है, और सिंहस्थ को हर पुराने सिंहस्थ से ज्यादा अच्छे से कराने का हमारा ही उस मामले में योगदान रहता है। मैं आज आपको गारंटी दे सकता हूँ कि 2028 का सिंहस्थ, जिसको हम बाकी लोग कुंभ राशि कारण कुंभ मेला कहते हैं, फिर हम कराएंगे और किसी को बाल बराबर तकलीफ नहीं आने देंगे, लेकिन सरकार विकास के काम भी बराबर करेगी और अवैध विकास को कभी बढ़ावा नहीं देगी, ये किसी भी कारण से अवैध कॉलोनियों को बढ़ावा नहीं देगी। नियम कानून के अंतर्गत जो जो हो सकता है वो सारे प्रबंध हम करने वाले हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, विषय तो बहुत लंबे है और बहुत सारी बात करना है, लेकिन चूंकि समाचार का समय हुआ है, आज हमारा अपना इस सदन का एक तरह से समारोह का समय आया है। मैं आज अपने सारे वरिष्ठों का, सारे मित्रों का, जिनने सकारात्मक माहौल में एक अच्छे विषय को अच्छे ढंग से, जिसकी शुरुआत ही आप शुभंकर है हमारे सदन के, आपका चयन में हमारे नेता प्रतिपक्ष ने, उनकी कांग्रेस पार्टी ने, भैया आप पटेल साहब याद रख लेना अपने
हेमंत कटारे जी, आपने कल कोट किया था, मैं कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद देता हूं जिनने ये हमारे लिए सामूहिक नेतृत्व करके एक अच्छी परंपरा स्थापित की है कि सदन के नेता सर्वानुमति से बनना चाहिए और इसी प्रकार से चर्चाएं भी सब होना चाहिए। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। बीच में टोकाटाकी तो चलती है लेकिन स्वस्थ आलोचनाओं का ये क्रम जारी रहे, इससे कोई मना नहीं। हमारे मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद हो सकते हैं। सरकार की आलोचना करने का आपको अधिकार है, आप जरूर आलोचना करें, लेकिन जो सरकार अच्छा कर रही है उसमें रचनात्मक सहयोग आप भी दें, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। और ये पूरे समूचे सत्र के एक तरह से, चूंकि ये पहला हमारा राज्यपाल का अभिभाषण था, अभी तो सरकार ने अपनी आंख भी नहीं खोली है, लेकिन धीरे धीरे कदम बढ़ाएगी और ताकत पाएगी। आपका सबका सक्रिय सहयोग मिलता रहेगा, इसी अपेक्षा के साथ माननीय अध्यक्ष महोदय बहुत बहुत धन्यवाद।